वेलकम बैक टू आवर चैनल सविता एंड नलिन व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई रेसिपी जो कि है मिर्ची वड़े। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिर्ची वड़े। तो मिर्ची वड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? तो जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है मिर्च, यानी हमने ये बड़ी बड़ी मिर्चें ली हैं। और उसकी स्टफिंग के लिए यहाँ मैंने लिए हैं उबले हुए आलू, बेसन, जीरा, नमक, गरम मसाला, सौंफ को मैंने थोड़ा दरदरा कूट लिया है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और हींग। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसन का बैटर बना लेंगे ताकि बेसन को जो इस बैटर बनाएंगे उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैटर तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने बेसन डाल दिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूँगी और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाएंगे फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा पतला बैटर तैयार नहीं करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे स्मूथ सा बैटर बन के तैयार है, तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर इसको इस तरह से फेंट लूँगी। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, अभी हम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड, जब तक इसमें हम रेस्ट के लिए छोड़ते हैं, हम अपने जो मिर्ची वड़ा बना रहे हैं उसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। और जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा, हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। तो ये देखिए, तेल यहाँ गर्म हो चुका है, मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी। मैं डालूंगी यहाँ जीरा और सौंफ। फ्रेंड्स, सौंफ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ डाल दूंगी आलू। आलू को फ्रेंड्स मैंने मैश कर लिया था। और तो अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी अमचूर पाउडर, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो अच्छा आए। और इस तरह से आलूओं को हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू में मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और हमने इनको 5 मिनट तक पका लिया है। तो हमारे आलू जो हमने स्टफिंग बनाई है वो बनकर तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम गैस को यहाँ कर देंगे बंद और जो ये स्टफिंग है इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। तो अब इस तरह से हम इसको बीच में से कट करेंगे ताकि जो इसके बीज हैं वो हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो ये मिर्चें तेज नहीं होती हैं, चलो फिर भी हम इनके बीज निकाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ मिर्च के मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं, तो इसी तरह से धीरे धीरे करके हम सारी मिर्चों के बीज निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सारी अपनी जो बीज हैं मिर्ची के वो निकाल दिए हैं, और हमारे आलू की स्टफिंग भी अब ठंडी हो गई होगी। तो चलिए अब अपना मिर्ची वड़ा हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो आलू की स्टफिंग है वो ठंडी हो गई है, और अब हम एक मिर्ची वड़ा लेंगे, मिर्ची लेंगे, सॉरी मेरे मिर्ची वड़ा बोल दे क्योंकि हम बना ही वही रहे हैं। तो इसमें हम पहले आलू की स्टफिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा लेके इसमें थोड़ी थोड़ी स्टफिंग कर रही हूँ, ताकि जो आलू हैं वो ज़्यादा ना भरे और मतलब ज़्यादा बाहर ना निकले, नहीं तो हमारा जो मिर्ची वड़ा है वो अच्छा नहीं लगेगा जब आलू की स्टफिंग बाहर आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस तरह से मैंने इसको इसमें स्टफ कर दिया है। फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा आलू लेके इसके चारों तरफ लगा दूंगी मिर्च के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मिर्च के ऊपर भी आलू का पेस्ट लगा दिया है। इसी तरह से हम अपनी सारी मिर्चें तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको आलूओं से अच्छी तरह से कवर कर लिया है, और हमने अब तेल भी गर्म होने रख दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं इसमें डाल दूंगी नमक, और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे हम। तो अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने मिर्ची वड़े फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो तेल है वो हमारा गरम हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने मिर्ची वड़ा इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मिर्ची वड़ा बेसन में इस तरह से डिप कर लूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बेसन की जो चारों तरफ इस पे कोटिंग कर दूंगी ऐसे, ये देखिए। और जो ये देखिए फ्रेंड्स, और जो हमारा मिर्ची वड़ा है वो इसमें हम डाल देंगे, आराम से डालेंगे ताकि फ्रेंड्स छींटे ना आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो एक एक करके इसमें तल सकते हैं, या दो दो करके, जैसे आपको ठीक लगता है। तो फ्रेंड्स मैं दूसरा भी इसमें ऐसे कोटिंग करके इसमें बेसन की इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना, जैसे आलू की बाहर कोटिंग करने से थोड़ा सा हैवी हो जाता है, और आलू कि जो ये हमने स्टफिंग इसमें बाहर भी लगाई हुई है तो ये निकलने का डर होता है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें दो दो करके ऐसे फ्राई करूंगी। और फ्रेंड्स हल्के हल्के हाथों से हम ऐसे इनके ऊपर भी तेल डालते रहेंगे, ताकि ये ऊपर से भी फ्राई हो जाए। वैसे तो हम इसमें इसको डीप फ्राई करेंगे, फिर भी इस तरह से हम इसमें डालते रहेंगे, ताकि जब हम इसको पलटे तो जो बेसन की इसमें कोटिंग की है वो हटे ना। कई बार क्या करते हैं, हम पलटते हैं और चम्मच से हट जाता है ना, तो इसलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। इसी तरह से हम इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मिर्ची वड़ा जो बन के तैयार हो गया है, इसको अब हम एक प्लेट में निकाल देते हैं, और इसी तरह से हम और जो अपने मिर्ची वड़े हैं वो भी तल के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे मज़ेदार से मिर्ची वड़ा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।